हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इम्प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, हम लोग 11th के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है सेट पढ़ना है कि सेट होता क्या है। देखिए, उससे पहले हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स होता क्या है। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो आप लोग उसको क्या जवाब देंगे? कोई भी बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स होता क्या है। तो देखिए, मैथमेटिक्स होता क्या है, मैं सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है व्हाट इज मैथमेटिक्स। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है कि मैथमेटिक्स होता क्या है, गणित क्या होता है, तो देखिए हम लोग उसको क्या जवाब देंगे। सबसे पहले देखिए, मैं समझा देता हूं क्या आपको, गणित होता क्या है, मैथमेटिक्स होता क्या है। तो मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट नंबर, शेप, क्वांटिटी, एटीसी। क्या बोला मैं, मैथमेटिक्स जो है एक साइंस का ही पार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं, शेप के बारे में अध्ययन करते हैं, क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखा गया है व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स होता क्या है। आंसर देखिए इसका क्या हो गया, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस where we study about number, shape, quantity, etc. एक्सेट्रा हो गया आपका। ध्यान दीजिए, मैं क्या बताया कि मैथमेटिक्स होता क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स एक साइंस का पार्ट है। वेयर मतलब जहाँ पे, वी स्टडी अबाउट जहाँ पे हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट नंबर, शेप, क्वांटिटी, एटीसी। जहाँ पे हम लोग नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं, शेप के बारे में अध्ययन करते हैं, क्वांटिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं नंबर क्या होता है। नंबर तो आप लोग जानते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, आपका नंबर है। आइए हम लोग शेप की बात करते हैं। शेप क्या होता है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे ये आपको एक स्क्वायर है, यह क्या है, स्क्वायर है, यह आपका एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल हो गया, यह क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये सब क्या है, यह सब आपके शेप हैं, यह सब आपको शेप कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है। आइए हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ बाबू, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग 11th की सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग, हम लोग 11th के जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है सेट, पढ़ना है सेट के बारे में, सेट पढ़ना है आपको। देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेट हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये 11th का आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका यही है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसी को हम लोग सेट बोलते हैं, किसको, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। देखिए यहाँ पे वेल डिफाइंड शब्द का यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक आपको बहुत ही आसान एग्जांपल ले रहा हूँ, घरेलू भाषा वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, बोलचाल की भाषा वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि आपको वेल डिफाइंड होता क्या है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए आज कोई मैच खेला जा रहा है, आज कोई मैच खेला जा रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि आप हमको बता दीजिए
कि इंडिया टीम में आज कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं। तो आप लोग 11 प्लेयर के नाम हमको बता दीजिएगा, यहाँ पे 11 प्लेयर के आप नाम बता दीजिएगा। मैं पहला बंदा से पूछा तो वहाँ पे आपको 11 प्लेयर का नाम बता देगा। फिर मैं दूसरे किसी बंदे से पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आप तुम सॉरी भाई साहब आप मुझको बता दो कि आज इंडिया में जो आज मैच खेला जा रहा है उसमें कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो लोग भी सेम नाम बताएंगे, वो लोग भी 11 प्लेयर का सेम नाम बताएंगे। मैं किसी तीसरे बंदे से पूछूं कि आज जो मैच खेला जा रहा है उसमें इंडिया टीम में कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो भी सेम नाम बताएंगे। तो देखिए हम लोग देश की बात कर लिए, राज्य की बात कर लिए, हम लोग विदेश में चलते हैं। अब देश विदेश कहीं भी चले जाइए, मान लीजिए कोई विदेश में फैन है, विदेश में क्रिकेट देखने का किसी का शौक है, वो भी क्रिकेट देखता है, मैं उससे भी पूछूं कि आज जो इंडिया में मैच खेला जा रहा है उसमें आप बताइए कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो भी सेम नाम बताएगा। तो देखिए इसी को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। आप देश में चले जाइए, विदेश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अकॉर्डिंग टू पर्सन इसका आंसर चेंज नहीं होता है। हर इंसान हर कोई सेम आंसर बताएगा, इसका आंसर चेंज होता ही नहीं है। इसी को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं, वेल डिफाइंड इसी को बोला जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दुनिया में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, हर कोई एक ही आंसर बताएगा, हर किसी का आंसर एक ही होगा, उसी को हम लोग वेल डिफाइंड बोलते हैं। यही आपका सेट हो गया, देखिए यही आपका सेट हो गया, इसी को हम लोग सेट बोलते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड होता क्या है। फिर प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, यहां पर ध्यान दीजिए, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए बी सी डी एंड सो ऑन। ये थ्री जो आपको डॉट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एंड सो ऑन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, एंड सो ऑन। यहाँ पे थ्री आपको जो डैश दिख रहा है इसका क्या नाम है मेरे दोस्त, तो एंड सो ऑन बोला जाता है इसको। इसका नाम क्या है, तो एंड सो ऑन बोला जाता है। इट इज जनरली डिनोटेड बाई ए बी सी डी, किसी भी कैपिटल लेटर से इसको दर्शा सकते हैं। आप ए से दर्शा दीजिए, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, किसी भी आप कैपिटल लेटर से इसको दर्शा सकते हैं। चलिए हम लोग समझ लीजिए कि आपको सेट होता क्या है, फिर हम लोग इसको जान लें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आइए मैं एक प्यारा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको मैच सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ मेरे साथ कंटिन्यू बन रही है, सिर्फ आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और मेरे बातों को फॉलो कीजिए, मैं आपको मैच सिखा दूंगा, यह मेरी गारंटी है। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। देखिए किसका कलेक्शन करना है मेरे दोस्त, किसका कलेक्शन करना है, तो नेचुरल नंबर का। आइए ना करते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अभी आपको बताया था सेट को हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए एन ले लिया। एन बराबर आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। देखिए हम लोग इसको सेट को कर्ली ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मिडिल ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लिए, याद रखिएगा इस बात को, जो कभी भी सेट होगा उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट बोलिए, इसको फ्लावर ब्रैकेट भी बोला जाता है, या इसको मिडिल ब्रैकेट बोलिए। तो देखिए हम लोग कलेक्शन किसका किए हैं, तो नेचुरल नंबर का। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हम लोग नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर दिया, तो यह क्या है, यह एक सेट है, इज अ सेट, यह एक सेट कहलाएगा। यह जो आपका है क्या है, यह एक सेट कहलाएगा। आइए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एग्जांपल दूसरा लेता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। देखिए इस बार क्या चीज का कलेक्शन करना है भाई, तो इस बार स्टूडेंट के कलेक्शन करना है। आपके वर्ग में, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्हीं का कलेक्शन करना है। तो हम लोग कर सकते हैं ना, ये डिफाइंड है
कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं एक क्लास में, हम लोग उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं उसको। तो ये आपका डिफाइंड है। मान लीजिए यहाँ पे इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से 10 स्टूडेंट पढ़ता होगा या 20 होगा। देखिए डिफाइंड है, कितना भी स्टूडेंट होगा उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो क्या आइए वेल डिफाइंड है। किसी से पूछिएगा कोई भी काउंट करके आपको बता देगा कि इतना ही होगा। सब किसी से पूछिएगा सबको एक आंसर सेम ही होगा। आइए एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लेने मैं जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, मैं बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लेता हूं यहां पे, बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। यहां पे मैं एग्जाम्पल लिया हूं कि बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो मान लीजिए मैं किसी बंदे से पूछता हूँ कि भाई साहब आप मुझको बता दो आपके लिए इंडिया टीम में बेस्ट प्लेयर कौन है, तो यहाँ पे कुछ जवाब देंगे। मान लीजिए रोहित शर्मा बोलते हैं, रोहित शर्मा, सुरेश रैना बोलते हैं वो। देखिए मैं किसी बंदे से पूछा कि आपके लिए बेस्ट प्लेयर कौन है इंडिया क्रिकेट टीम में, तो वो बोला कि रोहित शर्मा है और सुरेश रैना है। मैं किसी दूसरे बंदे से पूछता हूँ, देखिए, तो वो बोलते हैं मेरे लिए विराट कोहली बेस्ट हैं, सचिन तेंदुलकर बेस्ट हैं। देखिए मैं तीसरे किसी बंदे के पास चलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपके लिए बेस्ट प्लेयर कौन है इंडिया क्रिकेट टीम में, तो वो बोलते हैं सहवाग है, पांड्या है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मैं देखिए बेस्ट प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, अलग अलग बंदे से पूछ रहा हूँ तो उनका आंसर अलग अलग यहाँ पे आते जा रहा है। मैं क्या बताया था, यह वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी बंदे से पूछिए, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका चेंज हो जा रहा है, अलग अलग आदमी अलग अलग आंसर बता रहा है, अलग अलग आदमी से पूछ रहे हैं अलग अलग आंसर दे रहा है। तो यह वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं कहलाएगा, यह सेट नहीं होगा, क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है। यह अकॉर्डिंग टू पर्सन इसका आंसर चेंज कर जा रहा है, इसलिए यह सेट नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको सेट नहीं बोलेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए आप लोग, चलिए इसको नोट कीजिए, मैं रफ कर देता हूं इसको, फिर आगे देखिए नोट चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो सेट है इसको हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सेट को हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, इसमें हम लोग रियल एलिमेंट लिखते हैं, रियल एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग रियल एलिमेंट लिखते हैं और इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताया, सेट को हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म द्वारा, एक रोस्टर फॉर्म द्वारा। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम लोग रियल एलिमेंट को लिखते हैं। आइए इसका कहने का क्या मतलब, एक एग्जांपल द्वारा समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रियल एलिमेंट मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर का आपको सेट बनाना है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यह क्या हुआ एंड सो ऑन डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या होता है एंड सो ऑन। यहाँ पे रियल एलिमेंट हम लोग लिख लिए। देखिए रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, रियल एलिमेंट, या रियल एलिमेंट हो गया आपको। मैं बोला आपको आप हमको नेचुरल नंबर का सेट बनाकर दिखाइए, तो आप बनाकर दिखा दिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4। देखिए रियल एलिमेंट है, इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर,
ऑल नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिख दिया, क्या हो गया मेरा स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। देखिए तो मैं यही ना बताया आपको, जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं, ये कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका, एक स्टेटमेंट हो गया, या रियल एलिमेंट इसमें लिखते हैं 1 2 3 4, ये आपका रियल एलिमेंट हो गया। आइए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे सेट देखिए, बहुत टाइप के सेट आपको जो सेट पढ़ना है या बहुत टाइप के होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको इक्वल सेट पढ़ना है, इक्वल सेट आपको फिर पढ़ना है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट के बारे में आपको जानकारी लेना है, फिर फाइनाइट सेट पढ़ना है आपको, फाइनाइट सेट, फिर आपको पढ़ना है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर आपको पढ़ना है इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, फिर आपको पढ़ना है आपको यहाँ फिर जानना है सिंगलटन सेट के बारे में, सिंगलटन सेट। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेट की ये सब टाइप है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इम्पटी सेट और सिंगलटन सेट, ये सब सेट के आपके टाइप होते हैं। हम लोग इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे, हम लोग इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे, आज गर्मी भी बहुत काफी है। देखिए हम लोग इसके बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैं अपने क्लास को आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, हम लोग आगे वाले लेक्चर में इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप